लेकिन एमी वे बंटाए को मैं थम्स अप दूंगा, किस बात पे? कि यार ये बंदा एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरता। एमी वे बंटाए के बारे में मैं यही कहूँगा, सॉरी गाइस, एमी वे बंटाए का लेटेस्ट सॉन्ग जो स्नूप डॉग और लेग्स प्राइट के साथ कोलैबोरेशन था, एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इसकी बहुत ज़्यादा हुआ की गई थी, तो मैं रिएक्ट नहीं कर पाया हूँ। आप लोगों को तो मालूम है मेरा चैनल डिसेबल हुआ हुआ था कैरी मनाडी के वीडियो के बाद, इसकी वजह से ना मैं कोई पोस्ट डाल सकता था, ना वीडियो, ना कोई स्टोरी कर सकता था। एक हफ्ता वेट किया, बहुत सारे वीडियोस बैकलॉग में है तो वन बाय वन करूँगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अब मजीद इंतज़ार नहीं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मेरा नाम फावत फसोला, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। एमी वे बंटाए का सॉन्ग आए और मैं रिएक्ट ना करूं, ये हो नहीं सकता, बट हो गया यार। आपको पता है मेरा चैनल डिसेबल था, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो के शुरू में दे चुका हूं। तो एमी वे बंटाए के इस सॉन्ग की बहुत ज़्यादा हाइप थी। एक रीमिक्स वर्जन है मोटिवेशन स्नूप डॉग और लेग्स प्राइट का, या लेग्स स्प्राइट, आप किसी तरह भी इसको प्रोनाउंस करो। 2015 या 14 में आई थिंक वो सॉन्ग आया था। सॉन्ग मैंने सुना हुआ है वो वाला, उसकी बीट अच्छी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्नूप डॉग इज वन ऑफ माय फेवरेट रैपर। लेकिन उसको रीमिक्स करना इतने अरसे के बाद, क्या ज़रूरत पड़ी थी, आई डोंट नो। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है या जस्ट राइट्स लिए गए हैं, या एमी वे बंटाए को पैसे दिए गए हैं लेग्स प्राइट की तरफ से, क्योंकि उसके अपने सॉन्ग पे तो इतने व्यूज़ हैं ही नहीं। तो यस, बिना कोई टाइम जाए कि पहले सॉन्ग सुनते हैं, फिर देखते हैं कि लोग इसके बारे में इतनी ज़्यादा अश्लील बातें क्यों कर रहे हैं या इसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Yeah, little homie, recognize game when it's in your face. Elevate, educate, motivate. Yeah. Ride, ride, rippity ride. Let me tell you a little something about pride. Slide, slide, slippity slide. And I'ma take you for a walk on the wild side. Hold down, slow down, scratch up, wait. The way you move it, you'll catch a case. Cause I know that what's at stake. All work and no play. Boy, you better not ditch that class. Spit that fast, you better go and get that cash. Oh, you like being a fool, packing a tool. Boy, you better get in school. How you think that I got mine? You better read between the lines. Yeah, cause life ain't fair. You better get up, get out, and go get there. Motivate. My people gotta motivate. Climb to the top of the Empire State. My people gotta motivate. A new world away. My people gotta motivate. Those people gotta motivate. All people gotta motivate. Original watch, way, way better. Let's see. हमारे एमी वे बंटाए क्या जलवा दिखाते हैं। This part is skippable, isn't it? बहुत सारे क्यों, अच्छी चीजों पे करो जाओ कॉन्सेंट्रेट, सिंपल चीजों को सिंपल रहने दो, कॉम्प्लिकेट मत करो, कॉम्प्लीमेंट तो करो, कंसिस्टेंट तो रहो, काबिल खुद से बनो, दूसरों को करो जाओ मोटिवेट।
आए। आप लोगों ने ओरिजिनल वर्जन तो सुना हुआ होगा, किसने नहीं सुना होगा। आई थिंक इस सॉन्ग के बाद बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा तो वो ओरिजिनल वर्जन सुनने के लिए गए होंगे, और फिर कंपैरिजन तो ड्रॉ होना लाजमी है। अब मेरी बात पूछे ना, क्योंकि मैंने मोटिवेशन सॉन्ग सुना हुआ, कई बार सुना हुआ है और काफ़ी अर्से पहले सुना था, लेकिन उसकी बीट अभी तक मेरे दिमाग में है, क्योंकि स्नूप डॉग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रैप आर्टिस्ट। ऑल द सॉन्ग वाजंट दैट गुड, मगर ये है कि अगर इससे कंपेयर करो तो फार 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 बेटर। एमी वे बंटाई का जब पार्ट आया तब जाके थोड़ी सी एक एनर्जी लग रही थी, लेकिन जब स्नूप डॉग और लेक्सिस प्राइड, वो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा बोरिंग पार्ट था, बहुत ज़्यादा ड्रैगिंग था। हालांकि सॉन्ग 3 मिनट का है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रैगिंग लग रहा था। मोटिवेशन की बात की गई है, लेकिन यार मोटिवेशन उस वक्त मिलता है ना जब सॉन्ग की बीट अच्छी हो। एमी वे बंटाई का फ्लो बहुत हार्ड था, लेकिन जिस तरह की बीट थी, जिस तरह से इसको रीमिक्स किया गया है, ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ सिंक जा रहा है, और एमी वे बंटाई की जो फ्लो था, जो रैपिंग स्टाइल था, उससे बिल्कुल ही मैच नहीं कर पा रहा था। और स्नूप डॉग के जो सिमिलर लिरिक्स यूज़ की हैं और सिमिलर साउंड और रिदम रखा गया है जो उसके ओरिजिनल सॉन्ग में है, वो जो एंग्रीनेस शो कर रहे हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनकी तरफ से तो ऐसा बनता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे थे कि इतनी बड़ी कोलैबोरेशन हो रही है। स्नूप डॉग मैन, स्नूप डॉग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर एट द मोमेंट, सो उसके साथ कोलैब किया है तो कोई अच्छा देखने को मिलेगा। डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा, लेकिन एमी वे बंटाई को मैं थम्स अप दूंगा। किस बात पे? कि यार ये बंदा एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरता, उसको पता है इस वक्त वो एक शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा हुआ है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है इस वक्त वो, लेकिन इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके क्या उसने अपनी साख को या उसने अपना एक जो लेवल बनाया है उसको गिराने की कोशिश किया? नहीं। पर्सनली एज अ फैन ऑफ एमी वे बंटाई, मैं दाद दूंगा एमी वे बंटाई को कि कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। ज़रूरी नहीं है ना, एक साइंटिस्ट होता है वो अगर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता है, 1000 में से 1 कामयाब होता है, 100 में से 1 कामयाब होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका हर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो। लेकिन हमारे दिल में एमी वे बंटाई की अभी भी इज्जत है और उसके काम की इज्जत है, जिस तरह से वो एंटरटेन करता है पब्लिक को, और एमी वे बंटाई के बारे में मैं यही कहूँगा। You gotta hold on, you gotta stay strong, keep your head up, the change is gonna come. Stay strong और मोटिवेट करो अपनी पब्लिक को, और नेक्स्ट टाइम ऐसा धमाकेदार सॉन्ग लेके आओ जिससे ये दाग मिट जाए। हालांकि आप अब देखो जो तो लेक्सिस प्राइड का ओरिजिनल सॉन्ग है मोटिवेशन, उस पर 1 मिलियन व्यूज़ भी नहीं है, लेकिन हमारे एमी वे बंटाई ने इसके साथ कलैब किया, रीमिक्स किया, तो मोर देन 2.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं विद इन फ्यू डेज, और आई थिंक दीज व्यूज़ विल इंक्रीज इन कमिंग डेज एनीवेज। सो एमी वे बंटाई की स्टार पावर तो है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लेक्सिस प्राइड ने इसको यूज़ किया है। अब ये नहीं मालूम कि राइट्स बेचे गए हैं या एमी वे बंटाई को हायर किया है उसकी एक पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंडियन मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, कुछ भी हो सकता है रीज़न बिहाइंड, लेकिन थोड़ा सा चुक गए हमारे एमी वे बंटाई। लेकिन एमी वे बंटाई एमी वे बंटाई नेक्स्ट टाइम बहुत हार्ड आएगा, मुझे मालूम है और आप लोगों को ये मालूम है, तो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बंदे ने कोशिश की, अप्रिशिएट करो और आगे बढ़ो। दैट्स इट गाइस, आप मुझे बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, इस सॉन्ग के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।